नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ और मेरे साथ है क्षितिज। आज हम लोग, ये हमारा सेकंड वीडियो है और आज हम लोग चिखलदरा जाने वाले और ये एक रोड ट्रिप है तो और ज़्यादा से ज़्यादा जो चीज़ें हैं हम आपको टाइम लैप्स में दिखाने की कोशिश करेंगे। टाइम लैप्स जो होता है आप में से बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, लेकिन जो हम लोग रिकॉर्डिंग करेंगे डैशबोर्ड पर कैमरा रखकर और ज़्यादा से ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो आपको जो है टाइम लैप्स के थ्रू दिखाएंगे, ताकि मतलब एडिटिंग करके उसे थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देंगे ताकि आप जो है उस चीज़ों को एंजॉय कर सके कम वक्त में, तो और एक आपको रोड ट्रिप का एक्सपीरियंस भी मिले। तो आप जो है इस वीडियो को देखते रहिए।
हेलो फ्रेंड्स, ये वाला जो है ये zigzag रोड है, और अगर आप इसको देख पा रहे होगे तो ये zigzag रोड है, और ये यहाँ से भी 10 किलोमीटर अभी चिखलदरा हमें जाना है। यहाँ से चिखलदरा बस थोड़ी दूर है, और चिखलदरा आने से पहले मुझे ये दिखा यहाँ पर एक रिसोर्ट भी है, और पीछे विंडमिल भी है, और रोड के इस साइड भी है। आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा लेकिन यहाँ हमारा भीमकुंड पॉइंट। वैसे तो यहाँ पर रेनी सीजन में बहुत सारा पानी होता है वाटरफॉल, तो अभी तो नहीं है लेकिन फिर भी रेनी सीजन में यहाँ पर होता है, तो वैसे तो बहुत ही अच्छा व्यू है यहाँ पर। यहाँ पर एक बोर्ड भी लगा हुआ है, इस पर लिखा है कि दरी खोल अखिया में पर्यटन। यहाँ पर बंदर भी बहुत है, यहाँ पर बहुत से एक्सीडेंट हो चुके हैं पहले, इसीलिए अंदर जाना मना है, पूरे वाटरफॉल तक जा सकते हैं। यहाँ पर अंदर जाना मना है क्योंकि यहाँ पर बहुत से एक्सीडेंट हो चुके हैं, क्षितिज ने अभी कहा। यहाँ पर एक बोर्ड भी लगा हुआ है जिस पर लिखा हुआ है कि अंदर नहीं जा सकते हम लोग। यहाँ से जो है अंदर एक रोड जाता है, वहाँ पर भी बहुत अच्छा व्यू है, लेकिन अभी एक्सीडेंट्स की वजह से कुछ हुए होंगे तो उस वजह से ये जो है बंद है। तो अगर आप आते भी है ये बहुत ही अच्छा व्यू आपको मिलता है, और मैं आपको यहाँ से व्यू देता हूँ। तो ये जो है हमारा वाटरफॉल है, लेकिन अभी तो समर की वजह से वाटरफॉल पानी तो नहीं है, लेकिन रेनी सीजन में जो है यहाँ पर बहुत सारा पानी होता है इस वाटरफॉल में। के बाद भी एक वाटरफॉल है लेकिन वहाँ पर जो है नहीं जा सकते हम लोग, तो वहाँ पर जो है खतरे की वजह से लिखा हुआ है बोर्ड पर आप वहाँ पर नहीं जा सकते। वहाँ पर एक जो है बोर्ड भी लगा हुआ है जो कि मैंने पहले दिखाया था आपको, जो है यहाँ पर बंदर भी बहुत सारे हैं। यहाँ पर आपको हमने देखा है कि बोटिंग के लिए भी बोट्स अवेलेबल है, और यहाँ पर देवी पॉइंट के काफ़ी नज़दीक है, हार्डली 10 किलोमीटर के आसपास होगा, देवी पॉइंट से नज़दीक है, और यहाँ पर हॉर्स भी है। यहाँ पर कुछ लोग फिशिंग भी कर रहे हैं, थोड़ा सा पानी है लेकिन फिशिंग तो फिशिंग है। और वैसे आप अगर यहाँ पर आ रहे हैं तो यहाँ पर रिसोर्ट की भी कोई कमी नहीं है, रिसोर्ट भी बहुत सारे हैं यहाँ पर, और अच्छे रिसोर्ट्स हैं, और होटल्स भी बहुत हैं। ये थोड़ा हमारा पार्ट्स में बनने वाला है, वो आगे का पार्ट भी आपके लिए जल्दी अवेलेबल होगा, वैसे हम लोग उस पर एडिटिंग वगैरह करने वाले। तो अगर आपको ये वीडियो अगर पसंद आया होगा तो लाइक भी ज़रूर दबाइए, आपको वीडियो के नीचे मिलेगा, और कमेंट भी कीजिए अगर आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो। और अगर आप ऐसी वीडियो और देखना चाहते हैं तो नीचे सब्सक्राइब बटन मिलेगा,
उसे सब्सक्राइब कीजिए और इससे सब्सक्राइब कर लेना चाहिए क्योंकि हम ऐसी वीडियो जो है आपके लिए लाते रहते हैं। और बहुत सारे जो है ऐसी नए नए वीडियोस आने वाले हैं, तो अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपको जो है और भी वीडियोस हमारे देखने को मिलेंगे और ये बिल्कुल फ्री है, तो आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू, नमस्कार।